Good morning everybody, welcome in Sakshi Gopala chemistry classes. Today's topic of this video lesson is Werner's theory of coordination compounds. Coordination chemistry is very important chapter and hamari jo first theory hai that is a given by Alfred Werner. Alfred Werner was a Swiss chemist. Inhone kafi sara work kiya tha, kafi sara experiment kiye the on the structure of complexes and in the year 1913 इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज वर्क लिंकेज ऑफ एटम एंड कोऑर्डिनेशन थ्योरी. स्टार्ट करते हैं विद द वर्नर्स अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले समझते हैं पॉइंट वाइज कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका वर्क क्या था. राइट, स्टार्ट करिए. देखिए तो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला उन्होंने क्या किया था, ही ट्राइड टू आइसोलेट डिफरेंट सीरीज ऑफ कंपाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया. राइट, क्या किया था इन्होंने, इन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिया विद अमोनिया. सो अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड. राइट, दिस इज द रिएक्शन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनिया, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड are formed. But what happened, it was noticed that when silver nitrate AgNO3 in cold condition is added to the reaction mixture, what happens, some of the chloride ion got precipitated out and the rest of the chloride ion, it remains in the solution as it is. Right, a few chloride ions, they are precipitated out and rest remains in the solution. Clear ho gaya? Inka kya experiment tha? Inhone cobalt 3 chloride ka reaction karwaya tha ammonia ke saath mein. So series of compound form hui, which was later noticed ki on addition of silver nitrate, chloride ions jo hote hain, wo precipitate out ho jate hain. Right, and few chloride ions, they remain in the solution. So let us study what are the different series of compound jo ki is reaction se formed hote hain. You can note it down. Now students, see what are the various series of compound which are formed by the reaction of cobalt 3 chloride and ammonia. Theek hai, देखिए द फर्स्ट कंपाउंड इज कोबाल्ट 3 क्लोराइड के साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है दैट इज येलो कलर, वी कॉल इट एज ल्यूटियो कॉम्प्लेक्स. आपको हर कॉम्प्लेक्स के कलर्स याद रखने बिकॉज वो एग्जाम्स में पूछा जाता है. राइट, सेकेंड कंपाउंड इज कोऑर्डिनेटेड विद 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, इसका कलर होता है पर्पल. We also call it as a purpureo complex. Another series of compound is with 4 molecules of NH3. जिसे हम कहते हैं violet color का है, volio complex. Right? The last one is the isomer of the third, having the same formula but it is of green color. ठीक है, तो ये सारे series of compound है. Now what happens, जब इसमें इस reaction mixture में AgNO3 डाला तो ये देखा गया कि जो फर्स्ट कंपाउंड है जिसके पास में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 है, वहां से 3 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट. इन द सेकेंड कंपाउंड जहां पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 है, वहां से ओनली 2 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट. इन द नेक्स्ट थर्ड एंड द फोर्थ कैटेगरी ओनली 1 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट. सो देखिए, कोई भी रिएक्शन मिक्सचर की स्टडी करनी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, सो देयर आर वेरियस मेथड. तो वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर ने कंडक्टिविटी मेजर करी थी इन सभी रिएक्शन मिक्सचर्स की एंड व्हाट ही फाउंड, लेट अस स्टडी. देखिए, जो फर्स्ट वाला आपके पास में कंपाउंड है जहां पे कोबाल्ट 3 क्लोराइड के साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है. राइट, जब इसमें AgNO3 डाला गया, 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट. देखो कैसा हुआ कि एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है
and the another the counterpart is 3Cl minus. ठीक है, जब इस मिक्सचर की कंडक्टिविटी मेजर करी गई तो दो एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसकी कंडक्टिविटी कितनी आई, 1, इसका 3 टाइम्स द अदर पार्ट, राइट। वैसे ही इन द सेकेंड मिक्सचर हैविंग 5 मोल्स ऑफ NH3, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, वहां पे जब कंडक्टिविटी देखी गई तो व्हाट इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगेन स्क्वायर ब्रैकेट की वाली जो एंटिटी है उसकी कंडक्टिविटी कितनी आ रही थी, 1, एंड दी काउंटर पार्ट यानी कि 2 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट। इन द थर्ड एंड द फोर्थ वन जहां पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 है वहां पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट की कंडक्टिविटी आपको दिखी 1 एंड 1 मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड आउट। अब जरा सा ध्यान से देखना, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है आप ये देखेंगे, वर्नर ने ये कहा था, उनका मेन पोस्टुलेट था कि कोबाल्ट जो मेटल आयन है उसके साथ एनी टाइम 6 एटम और ग्रुप्स कोऑर्डिनेटेड रहेंगे। इट मे बी ऑल द ग्रुप्स आर अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इट मे बी ऑल द ग्रुप्स आर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और इधर बोथ एट द सेम टाइम, राइट, बट इट मस्ट बी 6 इन नंबर विथ कोबाल्ट, राइट। अब सभी के हम स्क्वायर ब्रैकेट देखते हैं, देखिए यहाँ पे इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ कंपाउंड कोबाल्ट के साथ में देयर आर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। इन द सेकेंड केस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है एंड 1 क्लोराइड ग्रुप, राइट। इन थर्ड कैटेगरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विथ 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो ये देखा गया कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम हो रहा है यहाँ पे कोबाल्ट मेटल है उसके साथ में ऑलवेज द नंबर इज 6, ठीक है। अब हम लोग इसके पोस्टुलेट्स को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन विद द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट इज, इन्होंने ये बताया कि इन एनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल एटम इट शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। वैलेंसी को लिंकेज भी कहते हैं, द वन इज अ प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी वैलेंसी, क्लियर। मेटल एटम के पास में 2 वैलेंसी होती हैं, द फर्स्ट इज अ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड को हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ द सेकेंड पोस्टुलेट इज प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल इन नेचर, राइट। आयनाइजेबल इन नेचर का मतलब क्या होता है, जब भी आपका कंपाउंड ब्रेकअप होगा टूटेगा तो जो आयनाइजेबल पार्ट होता है वही प्रेसिपिटेट आउट होता है, ठीक है। द पार्ट, द कॉम्प्लेक्स पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट वो आपका ब्रेक नहीं होता, ठीक है। नाउ ये एग्जाम्पल देखिए जो कि आपने जस्ट अभी पढ़ा है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी इज दिस 2, राइट, बिकॉज देयर आर 2 क्लोराइड आयंस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। नाउ हियर दिस स्क्वायर ब्रैकेट करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लेक्स। नाउ आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज प्रेजेंट देयर आर 2 क्लोरीन ग्रुप्स, सो जो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी ही आयनाइजेबल नेचर एग्जिबिट करती है। थर्ड पोस्टुलेट इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी दिस इज नॉन आयनाइजेबल इन नेचर, कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगी, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन आयनाइजेबल इन नेचर, राइट। देखिए नाउ सेकेंडरी वैलेंसी दिस आर सेटिस्फाइड ईदर बाय द न्यूट्रल और द एनायन ग्रुप्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिस इज योर मेटल एटम कोबाल्ट, इसके साथ में यहाँ पे केवल सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ना दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोराइड बोलते हैं, क्लोरीडो बोलेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन में बोलते हैं, तो दिस इज अ नेगेटिव लिगेंड, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस सेकेंडरी वैलेंसी
it actually counts the coordination number of the central metal atom. The central metal atom hai yahan pe, this is the cobalt, right? This is metal ke saath mein jitne bhi atoms your group square bracket ke andar pe attach honge, that gives you the coordination number of the metal. Theek hai? So this is the secondary valency. Primary valency kya hogi? It is the ionizable in nature, present outside the bracket. Kaise satisfied hoti hai? Satisfied by the negative ions, right? The fourth one is the new term called as ligands. Ligands are those atoms or group which are bounded to the metal atom. Hum metal atom ko usually central metal atom kehte hain in coordination chemistry. So ligands are those atom or groups which are bonded to the central metal atom and are present in a characteristic spatial arrangement. Yani ki metal ke saath mein jab kabhi bhi ligand bond karta hai, metal ligand bond banta hai, so it is present in specific geometry. Now that specific arrangement corresponds to the coordination number. जिसका जितना coordination number होगा उस हिसाब से उसकी geometry होगी. Likewise, जैसे कि अगर आपका coordination number 4 है तो square planar and tetrahedral geometry होती है. In the coordination number 6, geometry is octahedral. ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? So now Werner's theory कि अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो बर्नर इंट्रोड्यूस प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, इन्होंने लिगेंड का कॉन्सेप्ट बताया कि लिगेंड आर दोज एटम्स और ग्रुप्स विच आर अटैच टू द मेटल एटम. सो अब आप लोग इसको समझ जाइए और थोड़ा सा एक 3-4 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए. Students, after the postulates, let us try to understand few important terms which come across in coordination compounds. The first term we have is the coordination entity, right? Coordination entity is also called as coordination sphere, or it is also called as complex entity, or it is often referred as simply complex. ठीक है? Coordination sphere कह लो, coordination entity कह लो, complex ion कह लो, ये सारी चीजें एक होती हैं, ठीक है? देखिए क्या है, जो भी entity which is represented inside the square bracket is called as the coordination entity. Square bracket के अंदर जितना भी आपका central metal atom होता है, ligands होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? Coordination entity या कॉम्प्लेक्स स्फीयर या सिंपली कॉम्प्लेक्स, राइट? अब ये जो मेटल एटम है यूजुअली ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं, 3D सीरीज के आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, राइट? इसके साथ में जितने भी ग्रुप्स और एन आयंस अटैच होते हैं इन डेफिनेट इस स्पेशल अरेंजमेंट, उसे हम कहते हैं लिगेंड्स, राइट? एंड it have a specific coordination number which corresponds to a metal atom. Means किसी भी एक metal atom का जो coordination number होता है वो fixed होता है, right? Then comes the another term which is called as coordination polyhedron. जब भी कभी एक metal atom ligand के साथ में जब उनका coordination होता है, they arrange themselves in a specific geometry in a specific fashion, so that is called as coordination polyhedron. ये किस पे depend करता है? Depending upon the coordination number, उनकी geometry होती है. जैसे ये metal है, it is attached with the ligands and it has the geometry trigonal bipyramidal. In this case, it has the geometry square pyramidal. तो जब geometry के साथ में बात करते हैं, तो we use the term coordination polyhedron. अब हमारे पास में एक example है, हम इस example में सारे important terms को write it down करेंगे. देखिए, कोई भी complex compound या complex
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, राइट? एक एंटिटी आपके स्क्वायर ब्रैकेट में होगी एंड द अदर एंटिटी विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. अब देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, अभी मैंने आपको बताया से हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और सिंपली कॉल इट एज अ कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ठीक है? सो इट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स एंटिटी. अभी सबसे पहले हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल मेटल एटम. अब सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी एटम्स, जितने भी ग्रुप्स अटैच होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, लिगेंड्स, राइट? अब मैंने जस्ट पहले आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ एटम्स विच आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम वो क्या डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. तो यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से लिंकेज है एंड 1 क्लोरीन ग्रुप इज प्रेजेंट. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर. इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6, राइट? नाउ स्क्वायर ब्रैकेट इज कंप्लीटेड, कम आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, दिस Cl2, राइट? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी और काउंटर आयन और द अनलेजिबल पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2. अगर कोई टू मोल्स ऑफ Cl इज प्रेसिपिटेटेड आउट, राइट? जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है केवल वो वाला पार्ट आयनाइज होता है, सो ये ध्यान रखना है, वही आपकी क्या कहलाती है, प्राइमरी वैलेंसी. सो इन सम टोटल, राइट, इन सम टोटल जो वन इज थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये इन्होंने 3-4 कॉन्सेप्ट बताई है. फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी वैलेंसी, राइट, जो कि आयनाइजेबल होती है, काउंटर आयन होता है, सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज स्पेसिफिक फॉर एनी मेटल दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप विच इज विच आर अटैच टू द, किसके साथ अटैच होंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. स्क्वायर के अंदर होगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स वन. सो दिस इज द होल अबाउट अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड द लेक्चर. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एवरीबॉडी.